देखिए दोस्तों राशन कार्ड बनाना इतना कोई कठिन नहीं है राशन कार्ड को आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से भी बना सकते हैं लेकिन आपको मोबाइल की जो प्रोसेस है वो आपको चलाना आना जरूरी है आज के इस वीडियो में आपको मोबाइल से राशन कार्ड बनाने की प्रोसेस और सी पोर्टल या कोई अन्य जन सेवा केंद्र की दुकान से बनाने की प्रोसेस के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे राशन कार्ड सभी लाभार्थियों के पास होना जरूरी है क्योंकि आज जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है उनको केंद्र सरकार की ओर से अनाज राशन सामग्री फ्री में दी जा रही है इसलिए आपके पास भी राशन कार्ड होना जरूरी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया खाद्य सुरक्षा विभाग फूड सिक्योरिटी पोर्टल ओपन हो जाएगा यानी आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा इस पेज में आपको राशन कार्ड बनाने की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इसमें आपको साइन इन रजिस्टर के विकल्प से पब्लिक लॉगिन के विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा इस पेज पर आप जैसे ही पहुंचेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक कैप्चा कोड ओपन होगा इस कैप्चा कोड में आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करना होगा लॉग इन और पासवर्ड क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे इस प्रकार का एक मिलेगा। इस में आपको लाभार्थी का नाम सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डे यहाँ पर सिलेक्ट जेंडर को सिलेक्ट करना होगा इसके बाद फिर से यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों को एंटर करना होगा Passage, इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करें इसके बाद वैलिडेशन मोड पर आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना होगा आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर को एंटर करना होगा यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है जो आपका आधार कार्ड से लिंक है उस मोबाइल नंबर को एंटर करना होगा क्योंकि ये मोबाइल नंबर है इसी पर आपको ओ सेंड किया जाएगा और जो आधार कार्ड से लिंक होगा उस ओ को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा आगे की प्रोसेस आगे बताते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको ई एड्रेस एंटर करनी होगी इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट स्टेट को आपको सिलेक्ट करना होगा जो भी आपका स्टेट है उसको सिलेक्ट करें इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा इसके बाद आपका जो भी गांव कस्बा है उसको सेलेक्ट करें यानी आपका जो भी तहसील है पहले वो सिलेक्ट करें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना गांव सेलेक्ट करना होगा जैसे मैं अपना गांव सेलेक्ट कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी अपना गांव सेलेक्ट करना होगा क्योंकि गांव सेलेक्ट करने से ही आपको सबसे अच्छी जानकारी मिलेगी और आपका राशन कार्ड अप्लाई होने की प्रोसेस होगी यहाँ पर आपको एड्रेस सेलेक्ट करना होगा जो भी आपका एड्रेस है एड्रेस सिलेक्ट करने बाद यहाँ पर आपको डबल एड्रेस देना होगा वो का वो सेम का सेम आप एड्रेस यहाँ पर देंगे उसके बाद पिन है जो भी आपके पिन है वो सिलेक्ट करें इसके बाद ये संख्या है जैसे आठ माइनस तीन यहाँ पर क्या आएगा उसको यहाँ पर आप एंटर कर देना है जैसे पांच है तो पांच को यहाँ पर एंटर कर देना है एंटर करने के बाद नीचे रीमार्क कोई भी रिमार्क देना होगा उसके बाद नीचे की ऑप्शन प्रक्रिया है जो सबमिट उस पर सिलेक्ट कर देना है आप जैसे ही उस पर सेलेक्ट करेंगे इसके बाद फिर से आपको लॉगिन आईडी जो आपकी है वो यहाँ पर एंटर करें उसके बाद पासवर्ड यहाँ एंटर करें और ये कैप्चा कोड है उनको एंटर करने के बाद उन कैप्चा कोड को भी यहाँ पर एंटर करना है अगर आपको कैप्चा कोड दिखाई देने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो यहाँ से आपको दोबारा से इसकी प्रोसेस भी कर सकते हैं अभी आपको नए कैप्चा कोड मिले हैं उनको यहाँ पर एंटर करें और साइन इन पर क्लिक कर देना है आपके सामने राशन कार्ड आवेदन करने का फॉर्म मिलेगा क्योंकि मेरे पास अभी राशन कार्ड की आवेदन करने के लिए कोई भी नया राशन कार्ड नहीं आया हुआ है वरना हम तो नए राशन कार्ड अप्लाई करने की प्रोसेस बता सकते थे वैसे इतना हार्ड नहीं है दोस्तों आप लॉग इन आई और पासवर्ड कैप्चा कोड एंटर करने के साइन इन करने के बाद आपके सामने फॉर्म आएगा जिसमें आपको फोटो को अपलोड करना है उसके बाद राशन कार्ड में लाभार्थियों के नाम जितने भी लाभार्थी है उनकी आयु जन्म दिनांक तारीख और एड्रेस इस प्रकार की सामान्य जानकारी वो आप भर सकते हैं आसानी से और इस प्रकार की प्रक्रिया है राशन कार्ड बनाने की इसके अलावा अगर फिर भी आपको राशन कार्ड बनाने की प्रोसेस में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना हम आपको एक राशन कार्ड पूरा बनाने की प्रोसेस बताएंगे वैसे इस राशन कार्ड को बनाने के लिए आपको कोई भी राज्य से हो चाहे आप उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान हरियाणा पंजाब झारखंड मध्य प्रदेश किसी भी राज्य से हो सभी राज्यों के लिए एक समान प्रक्रिया है ये वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर आप क्लिक करें पूरी राशन कार्ड बनाने की प्रोसेस उसी में आपको आसानी से मिल जाएगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ राशन कार्ड बनाने की प्रोसेस ऑनलाइन बनाने का जो प्रक्रिया है जो हमने इस वीडियो में अच्छी तरह आपको समझाया है फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना हम आपको नए वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करेंगे तब तक जय हिंद जय भारत